बीजेपी ने रोका न्याय यात्रा का रास्ता, कांग्रेस भी अड़ी अब टकराव तय। हेमंत बिस्वा शर्मा का चैलेंज, न्याय यात्रा गुवाहाटी आई तो होगी कार्यवाही। कांग्रेस का भी यात्रा गुवाहाटी से निकालने पर अड़ी। गुवाहाटी प्रेस क्लब में राहुल गांधी करना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार नहीं दे रही इजाजत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। असम में इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। एक ओर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा यात्रा को शहर में प्रवेश नहीं देने पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस यात्रा का रास्ता बदलने को तैयार नहीं है और टकराव के केंद्र में आ गई है गुवाहाटी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश शुरुआत से ही दावा कर रहे हैं कि इस बार की यात्रा में बीजेपी मुश्किलें खड़ी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 2022 से 23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पहली भारत जोड़ो यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से होकर गुजरी थी, उसमें उतनी समस्याएं सामने नहीं आई थी जितनी पूर्वोत्तर राज्य में देखने को मिल रही है। जिस तरह से यात्रा के रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, उससे साफ है कि बीजेपी डरी हुई है। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि इस बार यात्रा जब यूपी में प्रवेश करेगी तो फिर पूरी यात्रा बीजेपी शासित राज्यों से ही चलेगी। इसमें यूपी भी शामिल है जहां योगी आदित्यनाथ सीएम है। ऐसे में असम के बाद यूपी में भी यात्रा के रास्ते में भी रुकावटें डाली जा सकती हैं। जयराम रमेश ने कहा कि जब से हमारी यात्रा असम में आई है तब से कुछ ज्यादा ही समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं। यात्रा को लेकर मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन ना तो हम झुकेंगे और ना ही डरेंगे, यात्रा अपने रास्ते से ही चलेगी। तो दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी साफ कर दिया है कि यात्रा वहीं से निकलेगी जिस रास्ते की मंजूरी सरकार देगी। यात्रा ने रास्ता बदला तो सही नहीं होगा। राज्य के सीएम हेमंता तो चेतावनी दे चुके हैं कि यात्रा का रास्ता बदला तो हम उन्हें कोई सुरक्षा नहीं देंगे और केस भी करेंगे। 3 महीने बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। 3 महीने इसलिए क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल गांधी या कांग्रेस उनकी गिरफ्तारी का राजनीतिक लाभ उठाए, लेकिन यह तय है कि अगर कांग्रेस की यात्रा का रास्ता बदला तो कार्यवाही करेंगे। दूसरी ओर गुवाहाटी को लेकर पेच फंसा हुआ है। हेमंता ने साफ कर दिया है कि गुवाहाटी तो दूर की बात है, हम यात्रा को असम के किसी भी शहर में अंदर नहीं जाने देंगे। यात्रा शहर के बाहर से ही निकलेगी, तो दूसरी ओर कांग्रेस यात्रा को गुवाहाटी ले जाने के लिए तैयारी में है। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि हमने गुवाहाटी के रोड शो और पदयात्रा की अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी गई है। यात्रा की अनुमति मांगने के लिए आवेदन 12 जनवरी को और फिर 19 जनवरी को पुलिस को सौंपा था। साथ ही शनिवार सुबह हमने एक ईमेल भेजा था, ईमेल का भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैंने गुवाहाटी पुलिस के उपायुक्त को फोन किया जो अनुमति देने के प्रभारी हैं। उन्होंने मुझे फोन पर सूचित किया कि हमारा अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है। दूसरी ओर पुलिस उपायुक्त ने कहा कि हमने कांग्रेस के प्रस्ताव खारिज कर दिया है, जल्द ही उन्हें लिखित में भी सूचित कर दिया जाएगा। यानी 23 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा गुवाहाटी प्रवेश नहीं करेगी। पुलिस ने वैकल्पिक रास्ते के रूप में यात्रा खानपारा, जयनगर, वशिष्ठ, कोरचुक, लोहकरा मार्ग से निकालने के लिए कहा है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पूर्व पश्चिम है जो मुख्य शहर के लिए बाईपास है। इस बीच सबसे बड़ी रुकावट गुवाहाटी प्रेस क्लब में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी 23 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और यह भी साफ है कि इस दौरान सबसे ज्यादा सवाल जवाब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर ही किए जाएंगे। ऐसे में असम सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति नहीं दी है। सैकिया ने कहा कि राहुल गांधी को गुवाहाटी में प्रेस क्लब के निमंत्रण, गुवाहाटी प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया गया है। इससे साफ है कि असम के मुख्यमंत्री असम में यात्रा को अब तक मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से बहुत घबराए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।